7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो गई और दूसरी तरफ देश में कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने दर्शन के लिए मंदिर खोले और दर्शन की अनुमति दी है, लेकिन उसके लिए प्रत्येक जिले की कलेक्टर गाइडलाइन है। अगर आपको डोंगरगढ़ दर्शन करना है तो आपको डोंगरगढ़ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको epass.bamleshwari.org में दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रायपुर में दर्शन के लिए कलेक्टर गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। इस विषय में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर पुरानी बस्ती रायपुर के महामाया मंदिर दर्शन करे और श्रद्धालुओं को बधाई दी और दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए कलेक्टर गाइडलाइन का पालन का आग्रह किया। देखते हैं महापौर एजाज ढेबर क्या कहे जोकर नूज की खबर। आज पहले दिन आज मैं माता के दर्शन करने यहाँ पर पहुँचा हूँ और रायपुर की प्रबुद्ध जनता से मेरी अपील है कि नवरात्र हम जरूर मनाएं, मगर जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका भी नियम का पालन करें। बहुत शांति और समरसता से उससे आज का पूरा 9 दिन को मनाएं। और जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है कलेक्टर महोदय के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, उसको पूरा ध्यान में रख के हम लोगों को यह नवरात्र का पूरा 9 दिन मनाना है। रायपुर में दर्शन के लिए कलेक्टर गाइडलाइन इस प्रकार है। मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियों पर प्रतिबंधित। पंडाल का आकार 15x15 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्ग फीट की जगह खुली हुई होनी चाहिए। पंडाल की वजह से गली या सड़क का यातायात प्रभावित ना हो। मंदिरों में तर्जगहों पर ज्योत जलेगी। ज्योत दर्शन के लिए आम लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए कोई अलग से इंतजाम नहीं होगा। एक समय में पंडाल के सामने 50 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकेंगे। मूर्ति दर्शन पूजा के लिए शामिल होने वाले लोगों को बिना मास्क एंट्री नहीं मिलेगी। बाजार में नवरात्र से जुड़ी चीजें भी मिलने लगी हैं। समितियों को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। इसमें दर्शन करने वालों, करने आने वाले लोगों के नाम नंबर दर्ज किए जाएंगे। मूर्ति स्थापित करने वाले लोगों या समिति को सैनिटाइजर, स्कैनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंड वॉश, क्यू मैनेजमेंट का इंतजाम करना होगा। कंटेनमेंट जोन वाले इलाके में प्रतिमा स्थापित नहीं होगी। अगर स्थापना के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित होगा तो पूजा रोकनी होगी। विसर्जन के समय किसी भी प्रकार का भोज भंडारा नहीं होगा। धुमाल या बैंड का इस्तेमाल 200 वाट के साउंड सिस्टम पर पंडाल के 100 मीटर के भीतर होगा। मूर्ति स्थापना या विसर्जन के दौरान चरणामृत या प्रसाद वगैरह नहीं बांटा जा सकेगा। मूर्ति विसर्जन के लिए अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ छोटे वाहन में प्रतिमा ले जा सकेंगे। जोकर नूज की खबर।